छोलों का मैं हूँ दुश्मन और छोले मेरे दुश्मन। और मुझसे अब चाय बन गई। हाँ बस यार लाइट ये दिखा कैसी बनी। मसरूफियत की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे होंगे और जुमेरात आई नहीं इनके पास वैसी सब जगह हो जाती। फैसल भाई ये हमारा प्रोफेशनल शेफ है, कैमरा लगा हुआ, हाथ हिला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? तमाम खैरियत से, उम्मीद खैरियत से होंगे। एक बहुत ही खूबसूरत सुबह के साथ आगाज़ है और ईद का दिन है, सनराइज़ हो रहा है और बड़े खूबसूरत मंज़र है। और ये सनराइज़ का खूबसूरत मंज़र है जो इस वक्त कुदरत का एक बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे ब्लॉग्स को, वक्त की कमी थी। अब यह है कि ख़ास दिन भी है और थोड़ा सा वक्त आपके लिए निकाला भी है, तो इंशाल्लाह कुछ बातें भी होंगी ख़ास और कुछ ख़ास मुलाकातें भी होंगी, तो आपको अपनी कुछ रूटीन भी दिखाएंगे, कुछ लोगों से मिलवाएंगे, कुछ मज़े की बातें भी करेंगे। तो चलें चलते हैं, ईद की नमाज़ है, ईद की नमाज़ की तैयारी करते हैं, फिर आगे की रूटीन आपको दिखाएंगे। बहुत ख़ास दिन होता है जो ज़िंदगी में कभी कभी आता है, तो ईद का दिन भी उन्हीं दिनों में से, तो अल्लाह ताला सबको ईद की खुशियाँ अता फरमाए। ऑलमोस्ट मेरी तमाम चीज़ें रेडी थी, बस मैं जाता हूँ रेडी होकर, फिर आपके सामने हाज़िर होता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रेडी हैं, हम ईद की नमाज़ पढ़ाने जा रहे हैं, आगे क्या मनाज़िर आपको दिखाते हैं। बस नमाज़ के लिए जा रहे हैं लेकिन याद आया कि मीठा खा लेते हैं क्योंकि मीठा खाना सुन्नत है, खजूर हो तो बेहतर है वरना जो भी मीठा आपके आपको मैसर हो आपको ईजी हो वो खा लेना जी। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के आ गए हैं और सबसे पहले बहुत तेज़ भूख लग रही है, गर्म गर्म नाश्ता अम्मी जान ने रेडी किया हुआ, नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है हम उनके पास जाएंगे जो इस साल हमारे पास ईद में नहीं है बल्कि हमें खुद जाना पड़ेगा यानी कब्रिस्तान। उधर का यकीनन मैं शॉट नहीं लगा पाऊँगा लेकिन आपको बता दूँ कि ये अमल भी हमारे ईद में मुसलमानों में राइज और शामिल है। अच्छा कि नमाज़ के बाद सबसे पहले हम जाते हैं कब्रिस्तान। चलें तो चलते हैं।
सोकर उठ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत फ्रेश फीलिंग्स हैं, नींद भी पूरी हो गई है। अब नमाज का वक्त हो गया, बस नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद बाकी की बातें करते हैं आपसे और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और ईद के जो सबसे मजे की चीज होती है वो था सोना, नींद पूरी की। वसल्लम अलैका या हबीबल्ला, रब का इंतखाब है, रब का इंतखाब है, मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबीला जवाब है, मेरे नबीला जवाब है, मेरे नबीला जवाब है, मेरे नबीला जवाब है। आका न मिलेगा तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, अरे सानी तो बड़ी चीज रे साया न मिलेगा, मगर मेरे नबी ला जवाब है। ये नाजिए अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में गर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मेरे नबी ला जवाब है, जवाब है, मेरे नबीला जवाब है, मेरे नबीला जवाब है। शामिल और उसके बाद फुल कांटेक्ट निकाल के करके कि ना रब्ता करेगा, हजरत अपना एल्बम रिकॉर्ड कराए, लोग तलाश में ऐसी आवाज के। भाई हमारे आमिर भाई हैं, बचपन से इनकी हम आवाज सुन रहे हैं, इस बड़े हो गए बचपन से सुनते सुनते, बहुत कमाल पढ़ते हैं हमारे आमिर भाई। ये हमारे अयान भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बादब हैं, मौजिज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा अदब करते हैं। और मैं बड़े राज के आप लोग को एक बात बता दूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आते हैं कि आपने थंबनेल से कौन बना रहा है, और बहुत अच्छे थंबनेल डिज़ाइन और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, सारा क्रेडिट उनको जाता है, बहुत अच्छे थंबनेल्स बना रहे हैं यूट्यूब के लिए, मेरे बहुत अच्छा काम करते हैं। ये हसन है, हमारे नाथवा भी हैं, नाते पढ़ते हैं दर्श नाते पाबंदी से, हमारे बहुत ही मोहतरम मायनाज दोस्त उनैद भाई हैं, बहुत अच्छे मुशीर हैं मेरे, बहुत अच्छे मशवरे देते हैं, हमारे शरियार अब्बासी हैं, ठीक है। और ये हसने और ये हैं हमारे सकलैन भाई, बहुत ही बादा बच्चा है, बहुत मोहब्बत करने वाला है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आता है। और इसलिए इधर राज की बात ये है कि हमारे आजकल के बहुत करंट जो कैमरा मैन है वो ये है, और जिस तरह ये कवरेज करते हैं महफिलों की और फ्रेम वगैरह देखते हैं, बहुत अच्छे से ये देखते हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। बस ये हमने एक छोटी सी मोहब्बत की बदम सजाई थी, कुछ यादें महसूस कर ली जाए तो ये बस ख़त्म हो चुका है, ऐसे नहीं दिखाए। तो ये है कि एक बरकत हो गई, तो
सना भी बयान होगी, दुआ कर लेना बरकत की। अल्लाह तेरी मोहब्बत में जमा हुए बैठना सुना सुनाना खाना पीना दिल की सर्दियों की बात में कभी फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद का अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड डे है। सुबह का आगाज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फजर से हुआ है और बड़ी ख़ूबसूरत सुबह है, तरोताज़ा हवा है। आज जो है वो घर पे दावत है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बहनों की दावत है, तो भांजा भांजियों की फ़ौज आएगी इंशाल्लाह और फिर जो है वो बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, एक ख़ास बात यह है कि जो बचपन में ईद का मज़ा था ना, वो सिर्फ ईद ही लेकर था, ईद ही जमा हो जाए, ईदी ले लें, और अब जब बड़े हो गए तो मेरे ख़्याल से ईदी बांटने का मज़ा है कि ईदी देकर बच्चों को बहुत खुशी होती है। अच्छा, कल जो दावत में हमारे घर पे दस्तरखान पे जो है हमारे एक दोस्त की कमी थी, उवैस सिद्दीकी की, तो उसके इजाले के लिए, क्योंकि वो आए नहीं थे हमारी दावत पे, तो उसके इजाले के लिए जो है वो उन्होंने हमें आज सुबह नाश्ते पर बुलाया है, तो उनके पास जा रहे हैं, फिर बाकी के मनाज़िर मैं आपको दिखाता हूँ। और मुझसे आप चाय बन गई। हाँ, बस यार लाइडी ये दिखाएं कैसी बनी। यार बोल यार छोड़ दे, फिर छोटा हो जाएंगे, गिर जाएंगे। हाँ ये भाई ये देखें, ये शानदार जानदार और खूबसूरत और पुरखलूस नाश्ता हुआ इस भाई ने हमारे लिए सजाया, ये ईद की खुशी में। हाँ, ईद की खुशी में इन्होंने हमारी दावत रखी है, असल में मैंने इसे इजाले का नाम दे दिया था, ये हमारे उनैद भाई ने इसकी तसी फरमा दी है। हाथ हिला दें, कैमरा लगा हुआ। फाइनली ये चाय रेडी हुई है उवैस भाई के हाथ की, इसमें असल तो उवैस भाई का जायका है। उवैस भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं भी कुछ नहीं कह रहा, कुछ कह रहे हैं। बड़ा प्यारा नाश्ता आप हमें करवा रहे हैं भाई, ये मेरी तरफ से नहीं है, क्यों बसवा रहे हो? हमारे दस्तरखान पे जो है ना, वो हमारे बहुत अच्छे अजीज़ दोस्त हैं और अल्लामा साहब हैं, माशाल्लाह से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, वो भी उवैस भाई की दावत पे, खुसूसी दावत पे, हम सब की दावत पे तशरीफ़ फरमाएं। अल्लामा इब्राहिम मदनी साहब मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। अबे नहीं हो, ये नहीं दिखाई तो बहुत यतीम सा लग रहा है। अब तो तक ही निमट चुका है। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما ما هو أهل إله العالمين رب ذو الجلال الملك مولا عز وجل ہماری محبتوں کو إله العالمين لله طور اخلاص عطا فرما رب और ये अब रात हो चुकी है और घर पे तकरीबन पूरी फ़ौज भांजा भांजियों की पहुंच चुकी है, माहौल बड़ा जो है वो खुशगवार है और डिनर की तैयारी है। फैसल भाई, ये हमारा प्रोफेशनल शेफ है, कैमरा लगा हुआ, हाथ हिला दे। अब आया ना असल टेस्ट तो। रेडी है फैसल भाई? और फाइनली ये डिनर रेडी है, स्टीक करी टेस्ट का आइडिया होगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना हुआ, और ये सलाद और रायता है, और ये हमारी ख़ानदानी खीर है, बहुत ही ज़्यादा नस्ली और ख़ानदानी खीर बनाते हैं हमारी वालदा, मतलब बहुत टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और आज ईद का तीसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत शाम है, खूबसूरत अहबाब के साथ चाय पे बैठे हुए हैं और सारी यादें और दावतें और नाश्ता और हल्का अहबाब जो सजा था, वो सारी चीज़ें कोशिश की देर सब आपको दिखाने की। दूसरी बात ये है कि भाई व्लॉग के लिए टाइम नहीं होता बिल्कुल, अभी ईद की छुट्टियां ख़त्म, बहुत मुश्किल से टाइम निकलेगा कि व्लॉग बना पाएँ। ईद की खुशियाँ अपनी तरफ, लेकिन एक दुख ये है कि छुट्टियाँ बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई, अब कल से वही रूटीन है, ऑफ़िस जाना है और सारे मामलात हैं, तो ईद अब देखें छुट्टियाँ कब आती हैं, बकरीद पे आएँगे
और हमारे दिल अजीज दोस्त एक बराबर में बैठे हुए हैं, पूरी ब्लॉक में वो गायब थे, हर दस्तन खान पे गायब थे, क्योंकि उनके घर में शादी वगैरह चल रही है तो बहुत मसरूफ़ है। हमारे ज़ुएब अली अब्बासी साहब, ज़ुएब अली लेकिन अब्बासी भी यही। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप मुझे बताएं तो बोलना ही है। हमारे अब्दुलरहमान है, ये बहुत मुअद्दब है, बहुत ही ज़्यादा अदब करने वाले, सादतमंद है, ये भी ईद मिलने आया, जब से पहले दिन आना चाह रहे थे लेकिन मेरी मसरूफियत थी तो बहरहाल आ जाए हैं। आमिर भाई चमकते दमकते, बच्चा तो नहीं आ रहा, चमकते दमकते आमिर भाई बैठे हुए हैं। बस ज़ुएब भाई की तरफ लिया, कुछ कह दें अगर तो, कुछ तो कह देना आप। ईद कैसी गुजरी आपके? अच्छा एक बात ये है, ईद में तो ना हमारे साथ वक्त गुजारा है लेकिन व्लॉग में नहीं आ सके, ऐसा ही ना भाई? मिलने भी आते रहे, ईदी भी लिए उन्होंने माशाल्लाह। ईद तो बड़ी प्यारी गुजरी लेकिन सबसे पहली ईदी जो है शेख साहब की तरफ से ही मिली है। बावल में मेरा स्टैंडर्ड ये है, वो लोग समझ लो कि 1000 रुपये दिए तुम, 100 रुपये निकाल रहे हो, क्या हो गया, 10 रुपये भी चलते जी। सबसे पहली ईदी और जुमेरात आई नहीं, इनके पास वैसी सब जगह हो जाती। अपनी व्लॉग का ना चाह रहे कि आमिर भाई की कोई शेर पे कर लें और लगे कि भाई जिक्र रसूल से शुरू हुई थी हमारी व्लॉग, जिक्र रसूल पे ख़त्म हो रही है, तो आमिर भाई का जो है ना शेर शामिल करते हैं, उसके बाद हमारी व्लॉग का एंड हो। तो उसे करार आए और तेरी वहशतों से दिल मुझे क्यों ना आर आए, तूने से दूर भागे जिन्हें तुझे पे प्यार आए, और सबबे वफ़ू रहमत मेरी बेजुबानियाँ हैं, न फुका के ढंग जानूं न मुझे पुकार आए, और न हबीब से मुहिब का कहीं ऐसा प्यार देखा, न हबीब से मुहिब का कहीं ऐसा प्यार देखा, वो बने खुदा का प्यारा, वो बने खुदा का प्यारा, तुम्हें जिस पे प्यार आए प्यार आए। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में खूब बरकत अता फरमाए, इज्जत अता फरमाए। भाई शाम का वक्त है, सूरज गुरूब हो रहा है और हमारे व्लॉग का सूरज भी गुरूब हो रहा है, व्लॉग एंड है और हुजूर के जिक्र से हुआ एंड। सुभान अल्लाह, इसमें आमिर भाई ने जो नाथखानी के रंग भरे हैं वो बीच में भी आपने नीचे दस्तरखान पे सुने होंगे, जो हमने कब्र में बैठे हुए थे अभी भी सुने। तो अल्लाह पाक सलामत रखे, अपना फीडबैक देते रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत नहीं है कि बोलूँगे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग खुद मोहब्बत से चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना फीडबैक दें, देते रहें, आप लोग व्लॉग को पसंद किया है तो व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।